पर ये हुड़दंगबाजी की जो तस्वीरें सामने आ रही है ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि देखिए चुनाव से पहले जो वादे किए गए, जो दावे किए गए, अब आप उन्हें पूरा करिए, क्योंकि देखिए चुनाव के वक्त देखा जाता है कि तमाम जो वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, अब जनता ने तो अपना समर्थन दे दिया, लेकिन अब उन वादों का, उन दावों का क्या, इसी को लेकर के हुड़दंगबाजी की तस्वीरें भी देखी जा रही है इसी तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बड़ा समर्थन मिला, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले या फिर हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले, जो बड़ा समर्थन मिला उस समर्थन को अपना समर्थन कितना देने वाली है इंडी ब्लॉक की जितने भी दल हैं, वो फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर महिलाएं एकजुट है, जो कर्ज माफी का ऐलान किया गया था, जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का ऐलान किया गया था, अब उस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जितने भी इंडी ब्लॉक के घटक ये एक विचित्र, ये संकट विकट आ गया है सुजाता। देखिए उन्होंने कहा था कि जो तमाम वादे किए थे, जो तमाम, अब आप ये कहिए कि रेवड़ियां बांटने की बात कही थी, अब जिन लोगों ने उनको वोट किया है, जिन लोगों ने उनको वहां से जिता दिया है, वो कह रहे हैं कि भैया सरकार बनाने के लिए तो आप तैयार हो गए हैं, लेकिन जो हमसे वादे किए थे अब उसका क्या। तो आप देखिए वहां पर पहुंचे वो महिलाएं भी पहुंच रही हैं, 1-1 लाख रुपए लेने के लिए पहुंच रही हैं, और दूसरी तरफ हुड़दंगी किस तरह से हुड़दंग मचा रहे हैं वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हिमानी, हमें ये समझना होगा कि देश की जनता कितनी भोली है, जो हमारा मतदाता है वो कितना भोला है कि आप कोई भी वादा कीजिए, कोई भी वादा कीजिए और वो मान लेते हैं। लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि कोई भी जो वादा है, अगर सरकार बन जाती है तभी उस वादे को पूरा किया जा सकता है या फिर उसके लिए जोर दिया जा सकता है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, इस बीच नीतीश कुमार भी अपने आवास पर अपने सहयोगियों के साथ, सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।